देखिए, हम सभी ने अभी कोरोना कालखंड देखा है और प्रत्येक व्यक्ति को उस कोरोना कालखंड से सीखना चाहिए। व्यवस्थाओं की दृष्टि से अगर देखें हम तो बहुत परिस्थितियां लोगों ने झेली हैं और मेरा अपना मानना है कि प्रकृति की बहुत बड़ी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के बिना सुबह जब हम जगते हैं, बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक ऑक्सीजन कौन दे रहा है? प्रकृति। पानी कौन दे रही है? प्रकृति। हवा दे रही है? प्रकृति। प्रकाश दे रही है? प्रकृति। ऐसी प्रकृति का हम संरक्षण संवर्धन करना हम सभी नागरिकों की, पूरे भारत ही पूरे विश्व की जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति को संरक्षण दें, संवर्धन करें प्रकृति का। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है हमारे सभी देशवासियों से कि हम प्रकृति को संरक्षण संवर्धन देने के लिए 5 तारीख में पर्यावरण दिवस के अवसर पर पेड़ अवश्य लगाएं। और हमने एक कल लेटर जारी किया है अपने दोनों विभागों में कि हमारे होमगार्ड कर्मी सभी 2 पेड़ लगाएं, एक व्यक्ति 2 पेड़ लगाए, 2 लाख से पेड़ ऊपर बैठेंगे। एक कारागार के लिए एक निर्देश जारी किया है, लेटर लिखा है, तो वो भी हमारे सभी होम कारागार कर्मी और एवं बंदी सभी वृक्ष लगाएं। एक लेटर हमने कल लिखा है और आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं होमगार्ड विभाग के साथ इसी विषय को लेकर के। मैं प्रकृति प्रेमी हूं और आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सभी देशवासियों से, पेड़ ही नहीं लगाएं, पानी भी बचाएं, फालतू पानी खर्चा ना करें, नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए पानी हमारी जब कमी महसूस होगी, आने वाली पीढ़ी हमारी माफ़ नहीं करेगी। हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम लोगों के लिए पानी छोड़ करके नहीं गए। आपके माध्यम से पानी के भी लिए निवेदन करूंगा कि फालतू पानी खर्चा ना करें, जितनी उपयोगिता है उतना ही पानी खर्चा करें हम लोग। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।